100 खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से आ रही है। वहां पर पार्सल ब्लास्ट हुआ है। पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है दरभंगा स्टेशन से। मामले में 2 लश्कर आतंकी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी पटरी पर दौड़ती ट्रेन में ब्लास्ट करना चाहते थे। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकियों ने रची थी। इस मामले में शामली के रहने वाले 2 आतंकी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम है इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर। इससे पहले 2 आरोपी शामली से भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। दरभंगा स्टेशन में पार्सल में धमाका हुआ, चलती ट्रेन में धमाका करना इनका मकसद था। लेकिन अब पाकिस्तान कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, क्योंकि लश्कर से इनके तार जुड़े हुए हैं। शामली में एसपी ऑफिस के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये तार अब पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये साजिश का पूरा प्लान था? कहां तक अभी इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है? जी देखिए मीनाक्षी, बेहद चौंकाने वाली बात है। दरअसल इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के मुताबिक ये जो पूरी साजिश है ये ISI ने रची है, और ट्रेन खासकर जो भारतीय रेल थी उसको निशाना बनाने की साजिश थी। हैदराबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इमरान और नासिर हैं। दोनों इसी शामली इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन उससे भी चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जिस शख्स सलीम को शामली से हिरासत में लिया गया है, उसी ने हैदराबाद के दोनों लड़कों को रिक्रूट किया था। सलीम के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। शामली में इस वक्त सेंट्रल एजेंसीज मौजूद हैं और जो लगातार पूछताछ कर रही हैं। लेकिन आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैराना का रहने वाला इकबाल काना, जो इंडियन एजेंसीज से वांटेड है, फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और ISI के लिए पिछले कई सालों से फेक करेंसी का काम देख रहा था। वो अब जानकारी में आया है कि इकबाल काना ही भारतीय रेल को निशाना बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कैराना शामली के लड़कों को रिक्रूट कर रहा है। तो सीधे सीधे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, उसके अलावा कैराना का भी कनेक्शन सामने आया है। और साजिश यही थी कि पार्सल बम, जो पार्सल दरभंगा में था मीनाक्षी, उसमें लिक्विड बम था। यानी साजिश ये थी कि जब धमाका हो तो आग पूरे ट्रेन में फैले और बर्निंग ट्रेन उसको बनाया जा सके। इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज को कई लीड मिली है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो ट्रेन हादसे हुए हैं उसको लेकर भी काफ़ी लीड मिली है, जिस पर अभी काम जारी है। जो सलीम है शामली में, उसको हिरासत में लिया गया है। सेंट्रल एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है, वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि पाकिस्तान में जो बैठा इकबाल काना, उसी ने रिक्रूट किया। साथ ही साथ सलीम ने 2 लड़कों को रिक्रूट किया था, जिन्होंने अरविंद लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए, क्योंकि बेहद अहम जानकारी यहां पर अरविंद देते हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान कनेक्शन इस ब्लास्ट मामले में सामने आ रहा है। बहरहाल वक्त